मैं संगम युग पर आकर नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। इस सृष्टि के जो हीरो हीरोइन है उनको प्रत्यक्ष करता हूँ। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर ही राज्य लिए है, तब लक्ष्मी नारायण बनेगी। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है। अंतिम जन्म में आकर के नर बन जाते हैं। नर माना मनुष्य, मनुष्य विकारी होते हैं। अर्जुन भी विकारी था। नर अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया कि वो निर्विकारी देवता बना, तो जरूर है ये अंतिम मनुष्य जन्म है। मनु की औलाद को ही मनुष्य कहा जाता है, इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है तो और जन्मों में मनुष्य नहीं थे क्या? कहने के लिए मनुष्य थे, लेकिन वास्तव में मनु की संतान नहीं थे। मनु और जन्म में होता ही नहीं। मनु माना मनन चिंतन मंथन करने वाला। और जन्मों में तो मनुष्य राक्षसों जैसे बन पड़ते। आत्मा का मनन चिंतन मंथन कोई करना सिखाता ही नहीं, सिवाय परमात्मा बाप के। अगर आत्मा का मनन चिंतन मंथन चले, स्वचिंतन चले, तो आत्मा की उन्नति होगी। कहते भी हैं स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन पतन कराता है। तो परचिंतन करना मनुष्य गुरु सिखाते हैं। और सुप्रीम सोल बाप शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो स्वचिंतन करना सिखाते हैं, आत्मा को सच्ची स्वतंत्रता दिलाते हैं। और कोई माई का लाल नहीं है जो इस सृष्टि पर सच्ची स्वतंत्रता कायम कर सके। तो बताया कि वो लक्ष्मी नारायण अभी 84 जन्म भोग चुके और अभी अंतिम जन्म में नर रूप में है, मनुष्य तल में है। उस मनुष्य तल में परमात्मा सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं। जैसे मनुष्य आत्माएं भी प्रवेश करती है, प्रेत आत्मा बनकर के प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कि एक्स वाई जेड किसी में भी प्रवेश कर जाएंगी। नहीं, उनका भी अपना हिसाब किताब होता है, उसी में प्रवेश कर सकती है। जो जितनी ऊंची आत्मा होगी उतना ऊंचा रथ लेगी। तो सुप्रीम सोल बाप शिव तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, उसको तो किसी से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। वो तुरीय सोल है। तो जरूर जितनी भी आत्माएं पार्टधारी हैं, रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हैं, एक शरीर रूपी वस्त्र छोड़ करके दूसरा तीसरा चौथा लेने वाली हैं, उन आत्माओं के बीच में जो हीरो पार्टधारी होता है उसी में परमात्मा निराकार बाप सुप्रीम सोल प्रवेश कर सकते हैं और किसी में मुकर्र रूप से प्रवेश नहीं कर सकते। उस एक के द्वारा ही परमात्मा प्रत्यक्ष होता है संसार में। ऐसे नहीं कि वो सर्वव्यापी है, नहीं, वो एक व्यापी बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो जो एक व्यापी परमात्मा बाप एक में प्रत्यक्ष होता है, वो अब एक 84 जन्म भोग चुका,
नीचे से नीची की स्थिति में आ चुका, उस नर को नारायण बनाने के लिए परमात्मा बाप उसमें प्रवेश करते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी जाति देने वाला जरूर तो कोई होगा ना। दुनिया में इतने बड़े छोटे राजाएं हुए, उन राजाओं को राजाई करना किसने सिखाया? ये कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? डॉक्टर बनते हैं स्कूल में बनते हैं, वकील बनते हैं स्कूल में बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं उसकी भी पढ़ाई होती है, लेकिन ये तो है मनुष्यों की पढ़ाई। परमात्मा बाप आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसका नाम ही है राजयोग, राजा ही प्राप्त कराने वाला योग। ये जन्म जन्मांतर जो छोटे बड़े राजाएं हुए हैं उनको राजाई करने की सिर्फ ये सिखाई किसने? कब सिखाई? कभी तो सिखाई होगी, किसी ने तो सिखाई होगी। जो कार्य दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो परमात्मा बाप शिव आकर के करते हैं। खुद राजाई नहीं लेते हैं, उनको तो फकीर के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन जन्म जन्मांतर की राजाई देने के लिए आता है। अब जो पुरुषार्थ करेगा, जो उस सदगुरु बाप की पढ़ाई पढ़ेगा वो प्राप्ति करेगा। तो राज्य देने वाला जरूर कोई है, अनेक जन्म में जो राजाएं हुए हैं उनको जरूर किसी ने राजाई दी है। ये राजाई का वर्षा सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तो अंतिम जन्म में आकर क्या हाल हो गया? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो गया। ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य, एक ही मत पर चलने से ही सदगति हो सकती है। अनेक मंत्रियों का जमघट इकट्ठा करके उनकी मंत्रणा के आधार पर देश का कभी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक मतें हो जाती हैं, अनेक मतों से दुर्गति होती है। एक सदगुरु बाप ही आकर के सदगति करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करते हैं, तो भगवान ने ही ये राज्य दिया था। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया, कब दिया। तुम जहां जन्म लेंगे वो बहुत धनवान होंगे। इस समय हम बिल्कुल ही बैगर हैं, फिर प्रिंस बन जाते हैं। बैगर टू प्रिंस, रंग तो को राजा बनाने वाला वो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल शिव है। वो ही आकर को निर्धन को धनवान आकर के बनाता है। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजाएं हैं, भले नाम मात्र के राजा हैं, उनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, जिससे हम राज्य भाग पाते हैं। हमको ये निश्चय है, क्योंकि ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, ये हार जीत का खेल है। माया ते हारे हार और माया ते जीते जीत। फिर कहा जाता है मन के जीते जीत मन के हारे हार। जो होता है वो ठीक है, क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा क्या? जरूर पसंद होगा। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। हम घृणा कोई निश्चय नहीं कर सकते, ये ड्रामा ही कल्याणकारी है, तो घृणा की तो बात ही नहीं। ये तो हम समझाते हैं
कि व्यभिचारी भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है।